सभी को नमः संस्कृताय। चलिए आज हम एक नई यूनिट से शुरुआत करेंगे। आज हमारी यूनिट संख्या है 12, ठीक है। और पिछले जो भी वीडियो मैंने 3 वीडियो डाले हैं, देखिए आपको तना तना ही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप उससे प्रश्नोत्तर करेंगे। हालांकि हम लोग भी प्रश्नोत्तर करेंगे, एक बार थोड़ा कवर हो जाए ये सिस्टम। इसके बाद हम पूरा ये मान के चलिए कि 8-9 दिन पूरा प्रश्नोत्तर करेंगे अच्छे से, कि भाई कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं इसके। तो आज हम प्रारंभ करेंगे यूनिट संख्या 12। देखो यूनिट संख्या 12 में कहा तो बहुत थोड़ा, इन्होंने कहा कि भाई वेदों का काल बता दो, आप वेदांग का परिचय दे दो, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक का परिचय दे दो। ये अपने आप में इतना बड़ा यूनिट है, आप ये यूनिट इन्होंने पूरी की पूरी उठा दी है कहाँ से, नेट जेआरएफ से, ठीक है। यही यूनिट कहाँ लगी हुई, नेट में लगी हुई है। नेट जेआरएफ जो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट जो है वो इसी पर आधारित है। पूरी फर्स्ट यूनिट उठा रखी इन्होंने, ठीक है। अब उठा रखी तो पढ़ना तो भाई पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब इसके दो तरीके पढ़ने के हैं भाई। एक तो हम ऐसे पढ़ें कि भाई पूरा अच्छे से और एक एक चीज कहाँ से क्या हो सकता है। तो इन्होंने इतना नहीं कहा कि आपको इतनी गहराई में नहीं उतरना, ठीक है। हमें केवल सामान्य सामान्य सी जानकारी हो जाए कि वेद के कितने ब्राह्मण हैं, वेद से संबंधित कौन सी उपनिषद है, वेद से संबंधित कौन सा आरण्य ग्रंथ है और वेद की कितनी शाखाएं हैं, कितना क्या कुछ है, बस इतना ही जानना है, ठीक है। तो जितना ये वीडियो रहेगा, मुझे लगता है शायद आज ये 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा, हो सकता है 1.5 घंटे तक पहुंच जाए, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा इसमें, ठीक है। आप इसे स्पीड में देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि लंबा हो गया तो आप स्पीड में देख लीजिए। पर देखने से ये पक्का है कि इसको देखने के बाद और कुछ देखने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है वेदों का काल, ठीक है। पाश्चात्यों ने बड़ी कोशिश इस बात को लेके की थी कि वेदों का जो काल निर्धारण है उसको कर लिया जाए, ठीक है। और इस पर बहुत सारे विद्वानों ने काम किया, परंतु इनमें जो अग्रणी विद्वान है उनका नाम है मैक्स मूलर, ठीक है। तो मैक्स मूलर क्योंकि ये जर्मन के विद्वान हैं, ठीक है, जर्मन के विद्वान हैं, इन्होंने सबसे पहले प्रथम प्रयास ये किया था कि वेदों का काल निर्धारण किया जाए, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि काल निर्धारण की श्रृंखला में वह पहला विद्वान जिसने वेदों के काल निर्धारण में अग्रणी भूमिका निभाई, उसका नाम क्या है, तो मैक्स मूलर, ठीक है। इन्होंने किसके आधार पर किया, तो भाषा शास्त्र के आधार पर, ठीक है। इन्होंने भाषा ऋग्वेद का भाषा शास्त्रीय अध्ययन किया, यजुर्वेद का भाषा शास्त्रीय किया, सामवेद का किया, अथर्वेद का किया, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों का किया। तो भाषा का जो स्तर था उस स्तर के आधार पर इन्होंने वेदों का एक काल निर्धारण किया। तो हमें क्या बोलना है कि भाषा शास्त्र के आधार पर इन्होंने सर्वप्रथम काल निर्धारण किया। और इन्होंने अपना आधार किसको बनाया, गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध को, जिनका समय जो है वो 500 ईसा पूर्व है। तो महात्मा बुद्ध को आधार बनाकर इन्होंने का वेदों का निर्धारण किया। तो इससे केवल 2 ही प्रश्न बनेंगे, एक तो भाषा शास्त्र, भाई पहला विद्वान कौन है, मैक्स मूलर, किस आधार पर किया है, भाषा शास्त्र के आधार पर, ठीक है। और किसको आधार बनाया है, तो गौतम बुद्ध को, ठीक है। चलिए अब इन्होंने आधार बना के क्या किया, आगे देखते हैं, ठीक है। इन्होंने आधार बनाकर इसका एक स्वरूप प्रकट किया कि भाई वैदिक जो काल है उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से उसका स्वरूप है। तो एक स्वरूप इन्होंने प्रकट किया है। तो इन्होंने इसको 4 भागों में बांटा, सबसे पहले छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। अगर आपको दिक्कत याद करने में हो, कि भाई हो सकता है कि याद करने में कई बार दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, छंद सबसे पहले, छंद अर्थात मंत्र, ठीक है, छंद, फिर मंत्र, और इसके बाद क्या आता, ब्राह्मण आते तो ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद सूत्र जो दर्शन आदि लिखे गए। तो छंद काल है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यही वेद का काल है। अगर ये पूछा जाए मैक्स मूलर के हिसाब से वैदिक काल माना जाता, वेदों का समय माना जाता है, तो 1200 से 1000 ईसा पूर्व, यही आपको लिखना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला छंद काल जो है वो 1200 से 1000 ईसा पूर्व, मंत्र काल जो है 200 कम कर दीजिए इसमें, तो 1000 से फिर 200 कम कर दीजिए तो 800 ईसा पूर्व, फिर इसमें से 200 कम कर लीजिए, ब्राह्मण काल 800 से 600 ईसा पूर्व और सूत्र काल 600 से 400 ईसा पूर्व। तो आप समय से 200 कम कर लीजिए,
ठीक है, और 200 का एक पीरियड रखिए, क्योंकि ये मानते हैं कि 200 वर्षों में भाषा के स्तर में बदलाव हो जाता है। ठीक है, 200 वर्ष बहुत होते हैं भाषा के स्तर के बदलाव के लिए, वहाँ बदलाव हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने 200 वर्ष का अंतराल रखे, सबसे पहले समय माना है जो वो छंद काल माना है, फिर मंत्र काल माना है 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, फिर ब्राह्मण काल माना है 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, और फिर मंत्र काल कहते हैं 600 ईसा पूर्व से लेके 400 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये मैक्स मूलर का हो गया। लेकिन इनके विषय में एक बात आप याद रखिएगा, इन्होंने बाद में ऑक्सफोर्ड जो इनकी व्याख्यानमाला थी, ऑक्सफोर्ड व्याख्यानमाला में इन्होंने अपने मत का खंडन कर दिया, स्वयं खंडन कर दिया था इस मत का, ये जो मत है इनका स्वयं खंडन कर दिया। और ये कहते हैं कि मैं ये पूरे निश्चित रूप से नहीं कह सकता, या यूं कहो कि ये पूरे निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वेदों का आविर्भाव कब हुआ या वेदों का सही काल निर्धारण क्या है, इसको पूरे निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो एक प्रश्न ये भी आप बना लीजिए कि अगर मान लो ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने अपने मत का ही खंडन कर दिया था। अगला देखिए, अगला विद्वान है जिनका नाम है ए बेबर। ठीक है, इनको सीधे बेबर भी कह देते हैं। ठीक है, तो ए बेबर है, ये भी जर्मन के विद्वान है। ठीक है, तो ये भी जो है ये 1200 से 1500 ईसा पूर्व, ये कौन लीजिए 1500 से 1200 ईसा पूर्व समय मानते हैं। भाई वो विद्वान कब कितना मान रहे थे, 1200 से लेके 1000 ईसा पूर्व, ये मानते हैं 1500 से लेके 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बेबर का समय और मैक्स मूलर का समय लगभग मैच खा जाता है। तो आप बेबर क्योंकि बड़े हैं तो आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए समय 1200 में। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसके आधार पर ये कालगणना कहते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। ठीक है, तो इसके आधार पर इनकी ये पुस्तक है, तो इसके आधार पर ये कालगणना करते हैं। तो दूसरे विद्वान कौन हो गए, बेबर। ठीक है, क्या समय मानते हैं, 1500 से लेके 1200 ईसा पूर्व। एक अगले विद्वान है जिनका नाम है जैकोबी। ठीक है, मैं आपको दो विद्वान बता देता हूँ, एक जैकोबी और एक बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये दोनों विद्वान ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कालगणना करते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि वह दो विद्वान छांटिए या बताइए जो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वेदों की कालगणना करते हों, तो एच जैकोबी, इनका नाम यवकोबी मिले तब भी आप घबराइएगा मत कि भाई यवकोबी लिखा है आपने तो जैकोबी बताया था, तो इनका नाम है जैकोबी और ये ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कालगणना करते हैं। और इन्हीं की तरह एक हैं बाल गंगाधर तिलक, वो भी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कालगणना करते हैं। तो सबसे पहले जैकोबी कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, ज्योतिष शास्त्र ने किसको आधार बनाया था, ध्रुव तारे को। इनका मानना है कि जो ध्रुव तारा है वो बदलता रहता, 2500 वर्षों में एक नया तारा वह स्थान ग्रहण कर लेता, पहले वाला तारा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, फिर एक तारा आता है, ये 2500 वर्ष का होता है। और विवाह संस्कार में ये कहा जाता है कि ध्रुव दर्शन होता है, विवाह संस्कार के अंदर ध्रुव दर्शन होता है, सूर्य दर्शन होता है, जो ब्राह्मण लोग हैं जो कराते हैं उनको पता है इस बात को, तो ध्रुव दर्शन होता है। तो ध्रुव दर्शन के कारण ये कहते हैं कि भाई जिस ध्रुव दर्शन का समय हमें ऋग्वेद में मिलता है वह ध्रुव हमें ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं मिलता है, तो एक काल हो गया। तो इन्होंने ज्योतिष शास्त्र में ध्रुव तारा को आधार बनाकर इन्होंने क्या किया है, कालगणना की, और इनके हिसाब से जो वेदों का समय है वो 4500 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक है। अब आप बढ़ते जाइए, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर आप बात करेंगे तो 4500 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व, बेबर की अगर आधार मान के बात करेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व, और अगर मैक्स मूलर को आधार बनाएंगे तो 1200 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए, उससे सारी की सारी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगला विद्वान देखते हैं, अगला विद्वान है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के विषय में एक बात तो आप ये जान लीजिए कि भाई इनका आधार क्या है, ज्योतिष शास्त्र, और यवकोवी का भी आधार क्या है, ज्योतिष शास्त्र। दोनों विद्वान ज्योतिष शास्त्र को लेकर बात करते हैं, तो इन्होंने भी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, ठीक है, कालगणना की। लेकिन जैकोवी किसको आधार बनाते हैं, ध्रुव तारे को, और बाल गंगाधर तिलक बनाते हैं आधार बसंत संपात को। ये जो बसंत है ये बसंत संपात को ये आधार बनाते हैं। अच्छा, इनका एक मानना ये है कि जो बसंत है ये धीरे धीरे, क्योंकि अभी जो मार्च में या फरवरी के अंतिम में आ रहा है, ये धीरे धीरे करके दिसंबर में आ जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं कि जो गणना है वो बढ़ती रहती है,
इनका ऐसा मानना है, हम उस पर विस्तार से बात नहीं करेंगे, हमें केवल इतना मानना है कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वेदों का काल निर्धारण करते हैं और उसमें भी वसंत संपात को प्रधान मानते हैं। कि आधार क्या है? वसंत संपात। तो ऊपर वाले में आप ध्रुव तारा याद रखिएगा और बाल गंगाधर तिलक में आप बाल उठा लीजिए, बाल मतलब वसंत, ठीक है, बाल मतलब बसंत, ऐसे याद रखिए तो हो जाएगी बात। इन्होंने भी एक समय बांधा है, ठीक है, अलग अलग समय बांधा है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, इन्होंने भी एक समय बांधा है, चार विभाग किए इन्होंने, ठीक है, चार विभाग किए हैं। कौन कौन से? पहला है अदिति काल, दूसरा मृगशिरा काल, तीसरा कृतिका काल और चौथा सूत्र काल। तो अदिति काल का जो समय है, जो अदिति नक्षत्र में जब बसंत संपात होता है तो वो अदिति काल कहलाता है। 6000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व, ये कहते हैं कि एक वसंत संपात को अगले नक्षत्र में पहुंचने में 2000 वर्ष का टाइम लगता है, ये मानते हैं, ठीक है। तो अदिति काल में जो वसंत संपात हुआ करता था उसका समय क्या था? 6000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व। और अदिति का नाम वेद में बहुत आता, अदितिर्देव अदितिरंतरिक्षम, इसका आधार बना के ये कहते हैं, ठीक है। तो ये मानते कि वेदों की उत्पत्ति तभी हुई थी, तो इनके हिसाब से वेदोत्पत्ति काल क्या हो गया? 6000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व, इसको याद रखिएगा। अदिति काल के बाद आ जाता है मृगशिरा काल, ठीक है, 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व। अधिकांश जो सूक्त हैं, बाद के जो सूक्त लिखे गए हैं वेदों के, वो इस यहाँ पर लिखे गए हैं, 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व। आदित्य मृगशिरा के बाद आ जाता है कृतिका काल, कृतिका काल जो है वो 2500 से लेके 1400, अर्थात संकलन हुआ इस समय वेदों का, ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए, अन्य चीज़ें लिखी गई। और सूत्र काल जो है 1400 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व, इसमें दर्शन आदि शास्त्र लिखे गए। तो हमारा जो काम का है वो 6000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व, बस इस क्रम को याद रखिएगा, पहले अदिति, फिर मृगशिरा, फिर कृतिका और फिर सूत्र, ठीक है। तो ये जो काल है निर्धारण है, ये बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से है, जो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर चलते हैं और वसंत संपात को आधार बनाते हैं। उनका अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और सूत्र काल है। अदिति काल 6000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व माना जाता, जो कि वेदोत्पत्ति के लिए है। 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व का जो समय है वो मृगशिरा काल के अंतर्गत आता है और उसमें अधिकांश सूक्तों की स्थापना की जाती है। और कृतिका काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1400 ईसा पूर्व है, जिसमें संकलन होता है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होती है। और सूत्र काल जो है वो 14 से लेके 500 ईसा पूर्व माना जाता, जो दर्शनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगले विद्वान है एम विंटरनित्स। एम विंटरनित्स का केवल आपको समय याद रखना है, ये क्या समय मानते हैं? तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व, ठीक है। तो आप मिला लीजिए, इनका मत किससे मेल खाता है, ठीक है। तो बस इनका इतना याद रखना है कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा आगे पीछे पेज हो गया है। ये तो हो गए विदेश की विद्वान, जो विदेशी विद्वान है, इसमें एक देशी हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उनको मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि वो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर काल गणना की बात करते हैं। कुछ ऐसे विद्वान जो भारतीय हैं वो काल गणना क्या मानते हैं, तो पहले भारतीयों का हम देख लेते हैं, फिर हम विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये भारतीयों की काल गणना है। भारतीय विद्वानों में एक विद्वान है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। भारतीय परंपरा में एक इकलौते विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि वेदों की जो रचना हुई है वो सृष्टि के प्रारंभ में हुई है, ठीक है। और आधार क्या है? वेद मंत्र ही आधार मानते हैं। तस्मात यज्ञात सर्वभूता ऋचा सामानी जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्मात यजुस तस्मात अजायता, ठीक है। ये यजुर्वेद का मंत्र है, तो इसको आधार बना के वो कहते हैं कि भाई वेद की जो रचना हुई है या उत्पत्ति हुई सृष्टि के प्रारंभ में हुई है, और उसका आधार क्या है? स्वयं वेद ही आधार है उसका, और दूसरा कोई आधार नहीं है, ठीक है। तो अगर दयानंद के संबंधित पूछा जाए तो आपको ये लिखना है। एक दूसरे विद्वान है जिनका नाम है दीनानाथ शास्त्री चुलेट, ठीक है। इतना बड़ा आपको नाम अगर याद नहीं भी रहे तो दीनानाथ शास्त्री किसके आधार पर मानते हैं? ज्योतिष के आधार पर। कितना मानते हैं? 30 नहीं है, 3 है, 3 लाख ईसा पूर्व, ठीक है, 3 लाख ईसा पूर्व, ठीक है। तो दयानंद के बाद आप इनको रख सकते हो क्योंकि ये 3 लाख मानते हैं, ठीक है। एक चौथे विद्वान, तीसरे विद्वान है जिनका नाम है अविनाश चंद्र दास, ये आधार बनाते हैं भूगोल को। अच्छा, भूगोल बनाते हैं सरस्वती नदी को,
भाई सरस्वती का, इमम्मे गंगे यमुने सरस्वती शतुद्री आदि मंत्र जो ऋग्वेद में मिलते हैं, तो सरस्वती नदी को आधार बनाकर ये कहते हैं कि सरस्वती जब बहती थी राजस्थान का जो आज का जो एरिया है, जो बाड़मेर आदि का है, जो पहले वहाँ समुद्र होता था और सरस्वती ये निकल के वहीं जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने भूगोल को आधार बनाया और भूगोल को आधार बना के 2500 ईसा पूर्व वेद का समय मानते हैं, ठीक है। आगे चलिए, एक चौथे विद्वान है जिनका नाम है नारायण भवन राव पावगी, ठीक है। ये ज्योतिष शास्त्र को आधार मानते हैं और ये 7000 ईसा पूर्व मानते हैं। घटते क्रम से मैंने लिखा है सबको, इससे पढ़ने में या याद करने में आसानी रहे। अगले विद्वान जो हैं जिनका नाम है डॉक्टर आर जी भंडारकर, ये भी वेद मंत्र को आधार मानते हैं और ये 6000 ईसा पूर्व इनका समय मानते रचना काल। अगले हैं दीक्षित, अर्थात शंकर बालकृष्ण दीक्षित, रामदेव के जो साथी बालकृष्ण हैं उनको याद रखिएगा, उनके आगे शंकर लगा दीजिएगा। तो शंकर बालकृष्ण दीक्षित ज्योतिष शास्त्र को आधार बनाते हैं और 3500 ईसा पूर्व समय मानते हैं। आपको जो बहुत ज़्यादा याद करने, अभी इतने ज़्यादा याद तो कैसे करें, ठीक है, तो आपको 2-3-4 नाम बहुत अच्छे से याद रखने। शुरू के जो मैंने 5 बताए हैं वो तो आपको रखने ही रखने याद, ठीक है, उनसे प्रश्न प्राय करके फंस जाता है। इसमें आप स्वामी दयानंद सरस्वती को रख सकते हैं, अविनाश चंद्र को रख सकते हैं, दीक्षित जी को रख सकते हैं और बाकी को आप गौण रूप से पढ़ सकते हैं। तरीका एक ही है कि आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा वेदों के काल से संबंधित, ठीक है, क्योंकि वेदों के काल से लेके इतने ही प्रश्न बनते हैं कि भाई कौन कितना समय मानता है, क्या समय माना जाता है। तो हमने वेदों का काल से संबंधित प्रश्न पढ़ लिए, अब चलते हैं वेदों की ओर, ठीक है। भाई वेदों में क्या है, वेदों से, वेदों की कितनी शाखाएं थीं, वेदों के कितने ब्राह्मण थे, कितने आरण्यक थे, कितनी उपनिषदें थीं, कैसे क्या होता था, उसके विषय में सारी की सारी चर्चा करेंगे। तो देखिए वेदों का, तो वेदों की विषय वस्तु ये तो हमें खूब अच्छे से पता है कि वेदों की जो संख्या है वो 4 है, ठीक है। और अगर इसका क्रम पूछा जाए तो आप क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले ऋग्वेद लगाइएगा। कई बार हम क्रम में गलती कर देते हैं, कहीं का वेद कहीं उठा के रख देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुनवा जोड़ा, तो कुनवा नहीं जोड़ना ऐसे करके, आपको यथार्थ मालूम होना चाहिए। तो वेदों की जो संख्या है, संख्या के विषय में बात करें तो 4 संख्या है इनकी। सबसे पहले आता है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चतुर्थ है अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। तो सबसे पहले किसको रखेंगे, ऋग्वेद को, फिर यजुर्वेद को और फिर सामवेद को, इसके बाद अथर्ववेद को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं, ऋग्वेद को। तो याद रखिएगा वेदों में सबसे बड़ा कोई वेद है तो वो ऋग्वेद है, ठीक है, सबसे बड़ा वेद। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा वेद कौन सा है तो ऋग्वेद, सबसे छोटा वेद कौन सा है तो सामवेद, ठीक है, सबसे छोटा सामवेद, सबसे बड़ा ऋग्वेद, पहला सबसे बड़ा, तीसरा सबसे छोटा, ऐसे याद कर लीजिए इसको। चलिए ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं, भाई ऋग्वेद क्या है, क्या है ऋग्वेद के अंदर, कैसी शाखाएं हैं ऋग्वेद की, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि दुनिया की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है जो लिखित रूप में आई, तो वो ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद ही दुनिया की सबसे पहली पुस्तक है, इससे पहले कुछ नहीं था, ठीक है। तो कुरान, बाइबल, अन्य चीज़ें जो धार्मिक पुस्तकें हैं ये सब बाद की आई हैं, प्रथम जो पुस्तक थी वो ऋग्वेद थी। इसलिए ऋग्वैदिक काल एक इतिहास के अंदर एक पीरियड है जिसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और अन्य वेदों के लिए एक पीरियड है उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल देखो पहला है, ठीक है, हड़प्पा से भी पहले का ऋग्वैदिक काल माना जाता है और हड़प्पा के बाद का उत्तर वैदिक काल माना जाता है, ठीक है। देखिए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ऋग्वेद जो है, महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है। महाभाष्यकार पस्पसानिक में कहते हैं एक विंशति वहावृच्यम, अर्थात ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है, 21 शाखाओं का वर्णन मिलता है। तो वर्णन मिलता है इसका, केवल उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो मुख्यतः जो शाखाएं उपलब्ध हैं या उपलब्ध रही थी अब नहीं है, वो मुख्यतः 5 हैं, ठीक है, 21 में से 5 हैं, अर्थात 16 नहीं है बिल्कुल, 16 के तो नाम भी नहीं पता कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखिए 5 कौन कौन सी, सबसे पहले शाकल, दूसरी बाष्कल, तीसरी आश्वलायन, चौथी शांखायन और पांचवी मांडुकायन, ठीक है। तो इसमें याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये का, आप अंतिम का आयन याद रखिए, आयन, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन, ये आयन जहां मिले वो ऋग्वेद है, ठीक है। मतलब प्रश्न पूछा ये शांखायन मांडुकायन किस वेद की शाखा, और आपको पता ही नहीं, याद तो किया लेकिन भूल गए, मटेरियल इतना ज्यादा हो गया था कि दिमाग से निकल गया। तो अब आपको क्या करना है, केवल आयन याद रखिए कि जहां आयन है वो ऋग्वेद है, और जहां कल लगा है, कल वो ऋग्वेद है, कल और आयन, कल ऋग्वेद, कल आयन, हे ऋग्वेद तू कल आना, ठीक है। तो कल और आयन,
जहाँ कल और आयन है वो सब क्या है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद की शाखा है कौन कौन सी, पांच जो संप्रति उपलब्ध होती है, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। ठीक है, ये पांच शाखाएं आप याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऋग्वेद का विभाजन। भाई ऋग्वेद इतना बड़ा वेद है तो उसका विभाजन कैसे होता है? तो ऋग्वेद का जो विभाजन है वो दो प्रकार से होता है। एक होता अष्टक क्रम में, एक होता मंडल क्रम में। अब प्रश्न बनता है ऋग्वेद का विभाजन कितनी प्रकार से होता है? तो ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से होता है, एक अष्टक क्रम और एक मंडल क्रम। अष्टक क्रम में देखेंगे तो आठ अष्टक है, याद रखिएगा, इसको रटना पड़ेगा आपको। अष्टक के बाद क्या है उसमें, अध्याय है। भाई अष्टक में अंदर क्या है, अध्याय है, तो 64 अध्याय है। अध्यायों में क्या है अंदर, वर्ग है, तो 2024 वर्ग है। भाई 2024 चल रही है तो आप ऐसे याद रखिएगा 2024 वर्ग है। और वर्गों में क्या है, मंत्र है, तो 10,580 मंत्र है, सबसे ज्यादा मंत्र है 10,580। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं आपके लिए, अष्टकों की संख्या आठ है, अष्टक और आठ, ऐसे याद रखिए, आ स्क्वायर अर्थात आ स्क्वायर बराबर आ प्लस आठ। ठीक है, तो अष्टक और आठ, आठ अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं। ठीक है, 2024 चल रहा तो वो वर्ग है और मंत्र 10,580 है। तो ये तो हो गया अष्टक का क्रम। अब आते हैं मंडल क्रम। दूसरा जिसमें जो क्रम मिलता है उसको कहते हैं मंडल क्रम। 10 मंडल है, 10 मंडल होने के कारण से ऋग्वेद का एक नाम दशतई भी है, दशतई। ठीक है, और प्रश्न आता है कि दशतई कौन सा वेद है या दशतई किसका नाम है, तो ऋग्वेद का जो नाम है वो क्या है, दशतई। ठीक है, ऋग्वेद को दशतई भी कहा जाता है। तो मंडल 10 है, अनुवाकों की संख्या कितनी है, 85 है। सूक्त, भाई देखो मंडल के अंदर क्या है, अनुवाक है, अनुवाक के अंदर क्या है, सूक्त है, सूक्त के अंदर क्या है, मंत्र है। तो 85 अनुवाक है, 1,028 सूक्त है और मंत्र है 10,580। तो दो विभाग हुए, जब मंडल वाला विभाग होगा तो मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र, अष्टक वाला होगा तो अष्टक, अध्याय, वर्ग, मंत्र। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से आप थोड़ा रटना पड़ेगा इसको, और रट लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज कन्फर्म और क्लियर याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ऋग्वेद ये तुमने कर लिया था, ये आगे पीछे पेज हो गया था, चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पे। ऋग्वेद के जो मंडल हैं, ठीक है, इनमें कुछ मंडल ऐसे हैं जिनको वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वंश मंडल। ठीक है, ये वंश मंडल है। कई बार प्रश्न आ जाता है भाई वंश मंडलों की संख्या कितनी है या कौन से मंडल का कौन सा ऋषि है, इससे आपको प्रश्न फंस जाते हैं, कई बार फंसते हैं, नेट में भी फंसते हैं, परीक्षाओं में फंसते हैं, क्योंकि ये सामान्य जानकारी है ऋग्वेद से संबंधित। तो देखिए, तो इसमें जो वंश मंडल है, इसमें जो द्वितीय मंडल है, आप सबसे पहले प्रथम मंडल को, ठीक है, और इसके बाद दसम मंडल को और नौवें मंडल को अलग कर लीजिए। अब जो बसते हैं उनका बनाइए। द्वितीय मंडल जो है उसका ऋषि कौन सा है, गृत्समद, मतलब गृत्समद जो वंश है उसने दूसरा मंडल लिखा, ऐसा पाश्चात्य मानते हैं। वो कहते हैं, पाश्चात्य कहते हैं कि जो दूसरा मंडल है वो गृत्समद नाम के एक ऋषि थे, उनके वंशजों ने लिखा, उनकी परंपरा वालों ने लिखा, उनके बच्चों ने लिखा, उन्होंने स्वयं लिखा, ये वो मानते हैं। वहाँ जो मंत्र है वो उनके द्वारा प्रतिपादित है। तो इसको, क्योंकि एक वंश का हो गया तो उसको क्या कहते हैं, वंश मंडल। ठीक है, तो दूसरा मंडल किसका है, तो गृत्समद का। तीसरा मंडल किसका है, तो विश्वामित्र का, इनके परिवार वालों का, फैमिली मंडल कह लो इसको, फैमिली मंडल है। चतुर्थ किसका है, तो वामदेव ऋषि का। ठीक है, इनके परिवार वालों ने कौन सा लिखा, चतुर्थ लिखा। पंचम लिखा है तो अत्रि, अर्थात अत्रि के परिवार वालों ने पंचम लिखा। षष्ठ लिखा है भारद्वाज के परिवार वालों ने, तो भारद्वाज है। सप्तम लिखा है वशिष्ठ में, और अष्टम लिखा है कण्व। ठीक है, तो अब ये प्रश्न क्या होता है, यहां से बनता है, वो कहता है कि चतुर्थ मंडल का ऋषि है, तो आप लगा दोगे अत्रि तो गुरु ललूलाल हो जाओगे, क्या लगाना है, वामदेव। षष्ठ मंडल का ऋषि है भारद्वाज। ठीक है, सप्तम मंडल का ऋषि कौन है, वशिष्ठ। तो इसको थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे प्रश्न, आप ये मान के चलिए कि अगर उसने पूछ लिया तो बनेगा प्रश्न, जरूर बनेगा इसको। तो ये जो मंडल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सात जो मंडल है इनको वंश मंडल कहा जाता है। सात मंडल कौन से हैं, वंश मंडल है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे के मंडल पे। नौवां जो मंडल है उसका नाम है पवमान मंडल। ये प्रश्न आया है कि ऋग्वेद के नौवें मंडल का नाम क्या है, तो
पवमान मंडल है, पवमान, ठीक। इसमें सोम के बारे में चर्चा है तो पवमान मंडल है। इसके बाद पहला मंडल और दसवां मंडल, इनको कहा जाता है अर्वाचीन मंडल है, ये बाद में जोड़े गए हैं। पाश्चात्यों का मानना है कि ऋग्वेद के अंदर जो पहला मंडल है और जो दसवां मंडल है ये दूसरे मंडल के बाद आया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऋषि हैं, बहुत सारी विषय वस्तु है, बहुत सारे ऋषि हैं, तो इसको आधार बना के ये कहते हैं कि भाई पहला मंडल और दसवां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया था आपको कि भाई दशतई कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद का एक नाम क्या है? दशतई, दशतई कहते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त कौन सा है? तो संज्ञान सूक्त, ठीक है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम मंत्र है उसका, तो अंतिम सूक्त कौन सा है? संज्ञान सूक्त। और अगर प्रथम सूक्त पूछा जाए, प्रथम सूक्त कौन सा है? तो अग्नि सूक्त, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधात्मम, ये पहला मंत्र है, ठीक है। उसमें 9 मंत्र हैं अग्नि सूक्त में। तो अंतिम सूक्त कौन सा है? तो आपको याद रखना है ये संज्ञान सूक्त है, और प्रथम सूक्त कौन सा है? तो अग्नि सूक्त है। पद पाठ करता, भाई ऋग्वेद का एक एक पद पाठ किसने किया था? तो शाकल ने, याद रखिएगा, शाकल, एक शाकल एक आचार्य हैं, वो पद पाठ करता है, ठीक है। प्राचीन, सबसे प्राचीन भाष्य अगर कोई मिलता है ऋग्वेद का, सबसे प्राचीन भाष्य, भाई जिसने सबसे पहले ऋग्वेद के मंत्रों का अर्थ किया, तो वो कौन सा? स्कंद स्वामी। कौन से आचार्य हैं? स्कंद स्वामी। स्कंद स्वामी का भाष्य ऋग्वेद पर सबसे प्राचीन है। तो ये 3-4 बातें ऋग्वेद से बनती हैं, वो आप याद रखिएगा। अब एक बात याद रखिएगा, प्रत्येक वेद का एक मतलब, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, आरण्यक होते हैं, इसके बाद उपनिषदें होती हैं प्रत्येक वेद की, तो 4 वेद है तो 4 की पढ़नी पड़ेंगे। इसके बाद, ठीक है, कल्पसूत्र होते हैं, ठीक है, कल्पसूत्र, और फिर शिक्षा होती है। इतना आपको पढ़ना है एक वेद के विषय में, ठीक है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा कि भाई वीडियो अगर आपको एक बार समझना है, जरूरी नहीं कि चीज़ एक बार हम समझ ही आ जाए, ठीक है, तो मैं कहूँगा स्पीड पर करके दोबारा देख लेना, तीसरी बार देख लेना, कोई मनाही नहीं है 2-3 बार देखने से, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से लेटे हैं, ठीक है, गप्पियाने से अच्छा तो ये अपना वीडियो चलाया और देख लिया कि भाई क्या क्या है इसमें, या कोई चीज़ भूल रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, और एक सूचना और दे दूँ इसी वेद के संबंध में, इसमें कई सूक्त मैंने डाले हैं वीडियो में। आप बिहार टेट का एक इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिहार टेट के नाम से, ठीक है, बिहार टेट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे तो उसमें कई सूक्त हैं, अग्नि सूक्त है, शायद सविता सूक्त है, और भी 2-3 सूक्त उसमें मैंने डाले हुए हैं। तो आप उन सूक्तों को भी देख लेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। उसे मैंने एक एक मंत्र को खोला हुआ है, उससे बनने वाले प्रश्न खोले हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं सूक्तों को। और इसके बाद क्या बोलते हैं, किरातार्जुनीयम भी है इसमें, ठीक है, किरातार्जुनीयम भी पूरा पड़ा हुआ है, जिसको देखना है वो किरातार्जुनीयम भी देख सकता है। मेघदूत, मेघदूत बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से, आप एक बार देखेंगे तो आपका दिल तन मन धन सब गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है, सब गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो इसलिए मेघदूत भी इस पे है, शिवराज विजय भी पड़ी हुई है, ठीक है, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर भी है, ठीक है, आपके संबंधित जितना मटेरियल है लगभग पड़ा हुआ है, ठीक है, और बाकी आपको रोज का रोज मिल ही रहा है, ठीक है। तो इसमें आप वहाँ से भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने कहा इतने तो आपको पढ़ने, तो हम ऋग्वेद के पहले ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। ऋग्वेद के 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक का नाम ऐतरेय ब्राह्मण है और एक का नाम शांखायन ब्राह्मण है। देखो शांखायन शाखा भी थी और शांखायन ब्राह्मण भी, देखो आयन आ गया, भाई आयन आएगा तो क्या होगा ऋग्वेद। तो ऐतरेय के वो ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं ऋग्वेद के 2 ही हैं, एक का नाम ऐतरेय है, दूसरा का नाम शांख्यायन है, ठीक है। आरण्यक की बात करें, भाई आरण्यक कितने हैं? तो 2 ही आरण्यक हैं, कौन कौन से? ऐतरेय और शांख्यायन। आप ऐतरेय को पकड़ लो, ऐतरेय का संबंध ही ऋग्वेद से है, सीधी सी बात। अब वो चाहे ब्राह्मण के रूप में आए, चाहे उपनिषद के रूप में आए, चाहे आरण्यक के रूप में आए, आपको लगाना क्या ऋग्वेद, ठीक है, क्योंकि ऐतरेय का संबंध ही ऋग्वेद से है। तो आरण्यक जो है वो ऐतरेय है, और आरण्यक क्या है? शांख्यायन है। उपनिषद की बात कर लें तो ऐतरेय उपनिषद और कौशतिक की उपनिषद, देखो यहाँ थोड़ा बदल गया, कौशतिक की उपनिषद और वाष्कल, देखो वाष्कल शाखा भी है तो वाष्कल उपनिषद भी है। क्या नहीं मिलता? तो कल्पसूत्र नहीं मिलता, सॉरी ये गलत लग गया, ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया भाई ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। आगे चलिए, अब बात आती भाई इसका स्रोत सूत्र क्या है,
ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आपको एक बार में चीज़ याद हो जाएगी, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, मुझे याद नहीं होती है, ठीक है। हम सब कंप्यूटर नहीं है, मशीन नहीं है, प्राणी है, मन विचलित होता है, भटकता भी है, याद करते करते भूल भी जाते हैं। तो मैं फिर कहूँगा, या तो आप नोट्स बना लीजिए, या टेलीग्राम जो चैनल है लोक विचार के नाम से, वहाँ आप जुड़ जाइए, ठीक है। और या फिर इस वीडियो को बार बार देख लेना, दो बार तीन बार देखेंगे तो आपको फिर वो चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसके हम कल्प सूत्रों के चार विभाग होते हैं, कल्प सूत्र, प्रत्येक वेद का कल्प सूत्र होता है, उसमें आते हैं आपके स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र, ये भी प्रत्येक वेद के, तो आपको ये भी पढ़ना है। 7-8 चीज़ें आपको वेद से अतिरिक्त पढ़नी है, लेकिन हाँ, इसमें आपका सारा परिचय हो जाएगा, इससे बनने वाला कोई प्रश्न यूनिट 12 का आपसे बाहर नहीं जाएगा, हर एक प्रश्न आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है। तो देखिए, स्रोत सूत्रों की बात करें हम, तो स्रोत सूत्र जो है, सॉरी, तो स्रोत सूत्र जो हमारा है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, इसको दोबारा पीडीएफ खोलता हूँ। तो चूंकि हम बात चल रहे थे स्रोत सूत्रों पे, ठीक है, तो स्रोत सूत्र जो हमारा है, ठीक है, स्रोत सूत्र जो है वो देखिए आश्वलायन है, ठीक है, और सांख्यायन है। आपको आयन वाला पकड़ के रखना है, बस आयन याद रखिएगा, आपकी आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी। गृह सूत्र भी देखो, स्रोत हो गया, गृह हो गया, गृह सूत्र भी कौन सा है, तो एक आश्वलायन है, एक सांख्यायन है और एक कौशतकी है, ठीक है, आश्वलायन, सांख्यायन और कौशतकी, ये आपके गृह सूत्र है। धर्म सूत्र, केवल एक धर्म सूत्र मिलता है वशिष्ठ, और इससे प्रश्न बनता है भाई, वशिष्ठ धर्म सूत्र किस वेद से संबंधित है, ये देखा प्रश्न उठा के, क्योंकि भाई आयन वाले आप कर सकते हो, कौशतकी कर सकते हो, लेकिन जहां वशिष्ठ की बात आएगी वहां गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपकी बात आ जाती वशिष्ठ पे, कि भाई वशिष्ठ जो है वो किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। एक बार मैं देखूं इसको, इसने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, ठीक, तो आप आगे आ जाइए, हम सीधे आ जाते हैं यजुर्वेद पे, ठीक है। ऋग्वेद से संबंधित जो हमें चर्चा करनी थी हमने कर ली, ठीक है। अगली बात करते हैं हम यजुर्वेद से, ठीक है। तो यजुर्वेद जो है उसके बारे में आपको याद रखना है कि महाभाष्य के अंदर यजुर्वेद की 100 शाखाएं स्वीकार की गई हैं। कितनी शाखाएं हैं? 100 शाखाएं हैं, ठीक है। तो महाभाष्य में यजुर्वेद की 100 शाखाएं स्वीकार की गई हैं, ये पहली बात आपको याद रखनी है, यजुर्वेद 100 शाखाएं, ठीक है। और चरणव्यूह के अंदर इसकी 86 शाखाएं हैं। भाई महाभाष्य कितनी मानता है? 100 मानता है। चरणव्यूह कितनी मानता है? तो 86 मानता है, ठीक है। आगे देखिए, यजुर्वेद का जो विभाजन है वो दो रूपों में देखने में आता है। यजुर्वेद का विभाजन दो रूपों में होता है, एक को हम कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो आपका आदित्य संप्रदाय से संबंधित है, और जो कृष्ण है वो आपका ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। शुक्ल मतलब सफेद, और सफेद कौन होता? आदित्य होता, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? आदित्य संप्रदाय है। और कृष्ण कौन होता? तो ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म जो है वो कृष्ण संप्रदाय है, ठीक है। अब इसमें शाखाएं की बात कर लें, देखो इसमें एक तो माध्यान्दिन वाजसनी शाखा है शुक्ल यजुर्वेद में, ठीक है। कितने अध्याय हैं इसके अंदर? 40 अध्याय हैं, और 975 जो हैं वो आपके मंत्र हैं, 1975 मंत्र हैं आपके, ठीक है। कौन सी शाखा है? माध्यान्दिन वाजसनी शाखा, किसमें है? शुक्ल यजुर्वेद में। दूसरी इसमें एक शाखा है, शाखा मतलब संहिता है, जिसको कहते हैं कांडव संहिता, ठीक है। इसमें भी अध्याय 40 है, लेकिन मंत्रों की संख्या ज़्यादा है, 2086। हो सकता है कई लोगों के लिए विषय नया हो, आप घबराइएगा नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता नया विषय हो, लेकिन प्रश्न जो फंसेंगे वो ऐसे ही फंसेंगे यहाँ से, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है वो दो हैं, एक आदित्य शुक्ल यजुर्वेद है, सॉरी, एक कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद के अंदर दो संहिताएं चलती हैं, एक को कहते हैं माध्यान्दिन वाजसनी शाखा, जिसमें 40 अध्याय हैं,
75 मंत्र हैं और एक है कांडव शाखा जिसमें 40 अध्याय और 2086 मंत्र हैं। दूसरी जो कृष्ण यजुर्वेद की है उसमें 4 शाखाएं हैं, तैतरीय शाखा, मैत्रायणी संहिता, काठक या कठ और कपिष्ठल। ठीक है, तैतरीय, मैत्रायणी, काठक या कठ और चौथी कपिष्ठल। ठीक है, इनको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं इनका, देखो सबका दे रखा है साथ साथ में। ठीक है भाई, ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, बड़ा प्रसिद्ध है शतपथ ब्राह्मण। किसने लिखा है? याज्ञवल्क ने, महर्षि याज्ञवल्क ने लिखा है। क्या लिखा है? शतपथ ब्राह्मण लिखा, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, याज्ञवल्क के द्वारा प्रतिपादित है। आरण्यक की बात करें तो इसका वृधारण्यक पूछा जाता है। वृधारण्यक किससे संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से। कौन सी आरण्यक है? तो वृधारण्यक। इसके बाद इसी में बात करें तो उपनिषद, तो एक तो आपको वृधारण्यक याद रखनी है भाई, आरण्यक भी है और ये उपनिषद भी है, और साथ में एक ईशो उपनिषद है। ठीक है, ईशावास्यमिदं सर्वम, कई बार हमने शायद उसमें लगी भी है एमए में या बीए में। ठीक है, तो आपकी एक है ईशो उपनिषद। अगर हम स्रोत सूत्र की बारे में बात करें तो कात्यायन स्रोत सूत्र है इसका। ठीक है, गृह सूत्र के बारे में बात करें तो पारस्कर गृह सूत्र याद रखिएगा, बहुत प्राय करके पूछा जाता है कात्यायन पूछा जाता है भाई। स्रोत सूत्र जो है वो कात्यायन है और गृह सूत्र जो है वो आपका पारस्कर गृह सूत्र है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आ जाओ सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र क्या है? तो बौधायन, मानव, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी और वराह। ठीक है, ये आपको यहां से लेके यहां तक नाम मिलेंगे। ठीक है, यही नाम एक बार पढ़ेंगे तो चारों में आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो सुलभ सूत्र कौन सा है? बौधायन, मानव, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी और वराह। धर्म सूत्र कौन सा है? तो हारित, शंख धर्म और विष्णु धर्म। हारित याद रखना, स्पेशल पूछा जाता है, इधर मानव पूछा जाता है, हिरण्यकेशी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अंडरलाइन करो उनको, स्पेशली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ गृह सूत्र। तो गृह सूत्र नहीं, इसके नहीं है ये, नहीं इसका नहीं है, क्योंकि इसका हमने गृह सूत्र इसके चारों कर लिए ना। स्रोत सूत्र कात्यायन का हो गया, गृह सूत्र पारस्कर का हो गया, सुलभ सूत्र इसका हो गया, धर्म सूत्र इसका हो गया, ये इसका इधर वाले का। ठीक है, देखिए अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें जो ब्राह्मण है उसका नाम है तैतरीय ब्राह्मण। देखो तैतरीय शाखा है ना इसकी, तो तैतरीय शाखा के कारण से इसके ब्राह्मण का नाम क्या पड़ गया? तैतरीय ब्राह्मण। आरण्यक की बात करें तो मैत्रायणी और तैतरीय दो आरण्यक हैं, एक का नाम है मैत्रायणी और दूसरा का नाम तैतरीय। देखो ये भी शाखा के कारण से नाम पड़ा है इसका। उपनिषद याद रखिएगा, एक का नाम है तैतरीय उपनिषद, शाखा भाई तैतरीय है तो तैतरीय उपनिषद, एक का नाम कठोपनिषद और एक का नाम श्वेताश्वतरोपनिषद, एक का नाम मैत्रायणी उपनिषद और एक का नाम महानारायण उपनिषद। ठीक है, ये इतनी उपनिषदें हैं। अब हम बात करते हैं स्रोत सूत्र के। ठीक है, तो बौधायन, बाधूल, स्पेशली बोल रहा हूँ बाधूल से प्रश्न फंसता है, बाधूल, मानव, भारद्वाज, काठक, सत्यासाढ़ और वैखानस। वैखानस याद रखिएगा, फंस जाता कई बार। सुलभ सूत्र में भी आपको इतना याद रखना है, बौधायन देखो वहां भी आया है, मानव भी आया हुआ है, भारद्वाज, आपस्तंभ भी आया है, कात्यायन, मैत्रायणी और वाराह। एक ही चीज है, बार बार पढ़ेंगे तो एक ही चीज मान लो, बस दो तीन नाम है, जैसे यहाँ बाधूल है, यहाँ बाधूल नहीं है। ठीक है, तो सुलभ सूत्र में बाधूल याद रखना है। धर्म सूत्रों की बात करें तो बौधायन, आपस्तंभ और हिरण्यकेशी। ठीक है, ये धर्म सूत्र होगा, इसमें गृह सूत्र इसके इधर है, देखो ये यहां लिख दिए मैंने, बौधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, अभी तक उसमें एक नाम बढ़ गया अग्निवेश्य, ये आपको प्रश्न में आ जाएगा। अग्निवेश्य गृह सूत्र किसका है? तो कृष्ण यजुर्वेद का। हिरण्यकेशी, वराह, वैखानस, चारायणीय और वैजव्याप, वैजवाप। ठीक है, तो ये आपका हो गया यजुर्वेद से संबंधित। अगला हमारा जो वेद है उसको हम कहते हैं सामवेद। बार बार पढ़िएगा, मैं आपको फिर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप बार बार नहीं पढ़ेंगे तो गुरु ये पक्का मानिए आप इससे बनने वाले प्रश्न नहीं कर पाएंगे। देखो एक बार में चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं हो जाती हैं, नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बार बार पढ़िएगा। देखिए सामवेद के बारे में चर्चा करें अगर हम,
तो सामवेद की परिभाषा क्या बोले वो देख लेते हैं। गीतीशु सामाख्या, देखो सामवेद है क्या, ऋग्वेद की जो मंत्र हैं उनको जब गायन के रूप में गाया गया, उनको जब गाया गया तब वो क्या कहलाया, सामवेद कहलाया। ठीक है, तो मंत्र किसके हैं, ऋग्वेद के, जब वो गाए गए तो क्या कहलाए, सामवेद। ठीक है, इसलिए परिभाषा क्या दी है, गीतीशु सामाख्या, पूर्व मीमांसा की परिभाषा है गीतीशु सामाख्या। गायन को क्या कहा गया, साम कहा गया। अंगुष्यम साम, अंगुष्यम साम अर्थात ऋग्वेद के गीति रूप मंत्र को क्या कहते हैं, साम कहते हैं। या ऋक तत्साम, जो ऋग्वेद है वही सामवेद है, ये छांदोग्य उपनिषद का आता है। रिचि अध्युडम साम अर्थात ऋचाओं को जब गान पर अध्युड करके बोला जाता है तब वो क्या कहलाती हैं, सामवेद कहलाती हैं। ठीक है, तो ये चार परिभाषाएं हैं, गीतीशु सामाख्या, अंगुष्यम साम, या ऋक तत्साम, रिचि अध्युडम साम। चलिए सामवेद का स्वरूप देखते हैं, भाई सामवेद का स्वरूप क्या है। तो देखिए सामवेद का भी विभाजन होता है, हर एक वेद का विभाजन हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। सामवेद का विभाजन होता है दो रूपों में, ठीक, किन किन रूप में, एक का नाम है पूर्वार्चिक और दूसरा का नाम है उत्तरार्चिक। ठीक है, दो विभाजन है सामवेद के, एक पूर्वार्चिक के रूप में होता है और एक उत्तरार्चिक में होता है। तो पूर्वार्चिक में पांच कांड है, पूर्वार्चिक में पांच कांड है और एक एक कांड का नाम भी है पूरा। प्रथम कांड आग्नेय कांड है, ठीक है, प्रथम कांड जो है वो आग्नेय कांड है, दूसरा कांड ऐन्द्र कांड है, तीसरा कांड पवमान कांड है, चतुर्थ कांड आरण्य कांड है और पांचवा महानामनी आर्चिक है। ठीक है, तो पांच हो गए, आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान, आरण्य और महानामनी, ये पांच कांड है पूर्वार्चिक में। उत्तरार्चिक में अगर हम आ जाए, ठीक है, तो उत्तरार्चिक के अंदर 21 अध्याय हैं। यहाँ देखो कांड नहीं है, हर जगह कांड थोड़ी करना आपको, कुछ अध्यायों में रहो ना। 21 अध्याय हैं, 9 प्रपाठक हैं, 287 सूक्त हैं और 1225 मंत्र हैं उत्तरार्चिक में। ठीक है, ये उत्तरार्चिक का बता रहा हूँ, पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं। अब प्रश्न आ जाएगा कि ऋग्वेद के पूर्वार्चिक में मंत्रों की संख्या क्या है, तो आपको लिखनी है 650। ठीक है, 650 मंत्र हैं पूर्वार्चिक के अंदर और उत्तरार्चिक में मंत्रों की संख्या क्या है, तो 1225। ठीक है, पूर्वार्चिक 650 और उत्तरार्चिक 1225। देखिए तो अब इसमें देखते हैं कि भाई मंत्र टोटल कितने बैठते हैं, तो टोटल मंत्र बैठते हैं 1875। ठीक, मैंने क्या कहा, सबसे छोटा वेद कौन सा है, सामवेद, सबसे बड़ा कौन सा है, ऋग्वेद। तो टोटल मंत्र बैठते हैं 1875। इसमें ऋग्वेद के मंत्र कितने हैं, कई बार प्रश्न आता है कि सामवेद के अंदर ऋग्वेद मंत्रों की संख्या क्या है, तो 1504। इन 1504 में जो दो बार आए हैं, ठीक है, जो दो बार आए हैं वो हैं 267, जो दो बार आए हैं। स्वयं के सामवेद के मंत्रों की संख्या कितनी है, 99, ये स्वयं के इसके हैं। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि ऋग्वेद सामवेद में सामवेद के मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 99, और सामवेद में टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 1875। ठीक है, 1875, इतना याद रखना आप। तो सामवेदीय मंत्र जो है वो 99 हैं और सामवेद में भी जो पुनरोक्त मंत्र हैं, दो बार बोले गए, वो केवल 5 मंत्र हैं। तो हालांकि इतना डीपली नहीं पूछेगा, मैं आपको बताऊं, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, कई बार हो सकता मूड बन जाए, आयोग है, उन्हें पता है कि आपको क्या नहीं आता है। ठीक है, वो सब खेले खाए बैठे, उन्हें ये पता है कि आपको क्या नहीं आता, अब तो जो नहीं आता वो लटका देंगे, भाई यही नहीं आता तो ये लो भैया। ठीक है, इसलिए इसको याद रख कर लीजिए। ठीक है, सामवेद की शाखाओं की बात करें तो सामवेद की जो शाखाएं हैं उसके बारे में महाभाष्य में कहा गया है कि सहस्त्र वर्तमा सामवेद, 1000 शाखाएं सामवेद की हैं। कितनी शाखाएं, सबसे ज्यादा शाखाएं सामवेद की हैं, कितनी, 1000 शाखाएं, और इसका प्रमाण मिलता सहस्त्र वर्तमा सामवेदा और गाय सहस्त्र वर्तमानी, अर्थात जो गाय अर्थात तो जो सामवेद का गायन विद्या है वो 1000 मार्गों वाली है। तो 1000 शाखाएं थी कभी, आज नहीं है, कि आप घबरा जाओ बोले 1000 शाखाएं याद करनी पड़ेंगी, नहीं, आज तो आपको याद करनी केवल 3 शाखाएं बस, संप्रति उपलब्ध शाखाएं। 1000 शाखाएं हुआ करती थी कभी, और देखो हम कितने आलसी प्रमादी लोग हैं, कि हम इतने आलसी प्रमादी लोग हैं कि अपनी 1000 शाखाओं वाली विरासत वाला सामवेद को हम 3 शाखाओं पर ले आए
और हमारी अकर्मण्यता मूर्खता के कारण से 997 शाखाएं डेड हो गई, खत्म हो गई, पता ही नहीं कहां गई वो। ठीक है, कितनी बड़ी अकर्मण्यता है, कितनी बड़ी अकर्मण्यता है। चलिए आगे नहीं बोलेंगे, उसको फटाफट कवर करना है। तो संप्रति जो शाखाएं उपलब्ध होती हैं वो एक शाखा का नाम है कौथुम शाखा। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा है सामवेद की, सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा कौन सी है? कौथुम शाखा। इसका प्राचीन नाम कुसुम था। ठीक है, कौथुम शाखा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? कुसुम था। और इससे एक प्रश्न बनता है कि पुष्प सूत्र नाम का एक ग्रंथ है वो इसी शाखा से संबंधित है। कौन सा ग्रंथ? पुष्प सूत्र। तो पुष्प सूत्र से क्योंकि प्रश्न आया है एक दो बार, तो पुष्प सूत्र नाम का जो ग्रंथ है वो इसी शाखा से संबंधित है। इस शाखा के उच्चारण की दो पद्धतियां हैं, सामवेद उच्चारण की दो पद्धतियां, एक नागर पद्धति है, एक भद्रा पद्धति है। भाई सामवेद का जो उच्चारण किया जाता है वो दो पद्धतियों से होता है, एक का नाम नागर पद्धति है और दूसरे का नाम भद्रा पद्धति है। ठीक है, आगे देखिए, इसकी एक शाखा है जिसका नाम है रामायणीय शाखा, एक शाखा का नाम है जैमिनीय शाखा। ठीक है, ये दो शाखाएं, तो टोटल कितनी हो गई? तीन शाखाएं हो गई, कौथुम शाखा, रामायणीय शाखा और जैमिनीय शाखा। इनके बारे में कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस उच्चारण का भेद होता है और कुछ नहीं। ठीक है, सामवेदीय संगीत, देखो सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। सामवेद मतलब, जब ये दिमाग में आए तो सामवेद मतलब उपासना कांड अर्थात भक्ति से संबंधित है और इसमें संगीत बजता है। ठीक है, आज जितना रॉक स्टार, पॉप स्टार, जितने स्टार घूम रहे हैं, ठीक है, सामवेद के आगे सारे स्टार धराशायी हैं। और कभी मैं आपको वीडियो बना के भी डालूंगा कि सामवेद का गान गायन कैसे किया जाता है, कैसे लोग सामवेद को गाते हैं, उसका भी कभी वीडियो बना के मैं डालूंगा आपके सामने। ठीक है, तो देखिए सामवेदीय संगीत इसमें क्या है, तो कहते हैं स्वर कितने हैं? 27। ठीक है, और ग्राम कितने हैं? तो 3 ग्राम है, मद्र, मध्यम और तीव्र। ग्राम की संख्या कितनी है? 3, मद्र था धीमे, मध्यम थोड़े बीच में और तीव्र मतलब ऊंचे स्वर से बोलना। मूर्छनाओं की संख्या कितनी है? 21, और तान कितने हैं? 49। ये आपको याद रखना। ठीक है, मूर्छनाएं आ जाती हैं कई बार, ग्राम आ जाते हैं, कितने ग्राम मानते हैं सामवेद के अंदर? 3 ग्राम है। तो स्वरों की संख्या 27 है, ग्राम 3 है, मूर्छना 21 है, तान जो है वो 50 है। और ये जो स्वर हैं ये उदात अनुदात वाले हैं, ये 3 स्वर हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। तो उदात के अंदर क्या गाया जाता है? निषाद और गांधार। ठीक है, और ये 27 नहीं है, ये गलत लिखा हुआ, ये 7 स्वर हैं, इसको 7 कर लेना। ठीक है, अनुदात के अंदर क्या गाया जाता है? तो ऋषभ और धैवत। और स्वरित के अंदर क्या गाते हैं? तो षडज, मध्यम और पंचम। तो 2, 4 और 3, 7, ये 7 हैं, ये 7 स्वर हैं। ठीक है, तो स्वर कितने हैं? 7। तो निषाद, गांधार, ऋषभ, धैवत, षडज, मध्यम और पंचम, ये 7 स्वर हैं। उदात के अंदर निषाद और गांधार गाते हैं, अनुदात के अंदर ऋषभ और धैवत गाते हैं, और स्वरित के अंदर षडज, मध्यम और पंचम गाते हैं। ठीक है, साम विकार, सामवेद में साम विकार चलते हैं। ठीक है, तो साम विकार का मतलब होता है शाब्दिक परिवर्तन, शब्दों में, मंत्र के शब्दों में जो शाब्दिक परिवर्तन है उसको साम विकार कहते हैं। कितने साम विकार होते हैं? तो साम विकार होते हैं 6, ये भी रटना पड़ेगा आपको। पहला है स्तोभ, दूसरा है विकार, तीसरा है विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास और विराम। विराम मतलब रुक जाना, तो अंतिम तो याद ही हो गया विराम। ठीक है, 3 एक जैसे हैं, कौन सा? विकार, विश्लेषण और विकर्षण, और 5वें पर अभ्यास हो गया और स्तोभ पहला हो गया, हो गया याद लगभग। ठीक है, तो ये जो 6 है ये साम विकार है इसके अंदर। इसके बाद आ जाता है सामगान। भाई सामगान कितने प्रकार का होता है? ये प्रश्न बना है, बनता भी है जब आप सामवेद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सामगान जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला ग्राम गेय गान, ग्राम गेय गान का मतलब हुआ ऐसा गान जो गांव में गाया जाता है, इसको प्रकृति गान या व्यय गान भी कहते हैं। इसको सार्वजनिक स्थलों पर गाने योग्य होता है। भाई ग्राम मतलब गांव, तो ग्राम गेय गान मतलब गांव में गाया जाने वाला गान। दूसरा है अरण्य गान, जो अरण्य में गाते हैं, जंगल में, तो वन में पवित्र स्थान पर गाया जाने वाला गान। ठीक है, तीसरा है ऊहा गान। ठीक है, ऊहा गान
किसी विशेष धार्मिक अवसरों पर गाया जाने वाला गान, और चौथा है ऊह्य गान या रहस्य गान। ये सार्वजनिक स्थानों पर नहीं गाया जाता क्योंकि रहस्य है ना, तो रहस्य सबको थोड़ी बताते हैं, इसको क्या कहते हैं, विकृति गान भी कहते हैं। तो ये चार प्रकार के गान हो गए, इनको भी याद करना पड़ेगा। स्तोमों की संख्या कितनी है, 9 स्तोम है, ठीक है, 9 स्तोम है। कौन कौन से हैं, त्रिवित है, पंचदश है, सप्तदश है, एकविंश है, चतुर्विंश है, त्रिवण है, त्रयस्त्रिंशत है, चतुश्चत्वारिंशत और अष्टचत्वारिंशत। तो ये 9 स्तोमों की संख्या है। स्तोम अगर आपको नहीं भी याद रखें तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। स्तोमों से प्रश्न प्राय करके नहीं अब तक मैंने देखे, फिर भी कोई प्रश्न फंस जाए इसलिए मैंने आपको स्तोमों की संख्या भी बता दिया, ठीक है। सामगान के जो विभाग हैं वो 5 होते हैं, सामगान के विभाग, ठीक है। देखिए, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। तो याद रखिएगा, ये छोटा रिचार्ज नहीं बड़ा धमाका है, ठीक है गुरु। तुम सोचो कि छोटा रिचार्ज है कम में काम बन जाएगी, नहीं बनेगा गुरु, छोटा रिचार्ज लेकिन बड़ा धमाका। देखो कितना मटेरियल है सामवेद के विषय में, और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आपके बनते हैं वो सामवेद और ऋग्वेद से बनते हैं सबसे ज़्यादा, और यही बंदा मार खा जाता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा हजारों लोग नेट का फॉर्म भरते हैं लेकिन JRF होता मुश्किल से 1% लोगों का, 1%। इसलिए होता है कि इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, इतना बवाल पढ़ना पड़ेगा। ये तो केवल मैंने BPSC के हिसाब से पढ़ा है, अगर वो पढ़ाया जाए नेट के हिसाब से मैं और अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सामवेदीय ब्राह्मण, सबसे ज्यादा ब्राह्मण है सामवेद के, सबसे ज्यादा ब्राह्मण सामवेद के हैं। नाम बहुत अच्छे हैं, जैसे तांड्य महाब्राह्मण, तांड्य महाब्राह्मण। दूसरा पंचविंश ब्राह्मण, इसको कहते हैं प्रौढ़ ब्राह्मण। षडविंश ब्राह्मण, पंचविंश हो गया, षडविंश हो गया, साम के नाम से साम विधान हो गया। एक आर्षीय ब्राह्मण, एक का नाम मंत्र ब्राह्मण, एक का नाम देवता अध्याय ब्राह्मण, एक का नाम वंश ब्राह्मण, एक का नाम संहितोपनिषद, ठीक है। तो ये 9 ब्राह्मण मिलते हैं सामवेद के। बार बार आवृत्ति करेंगे, हो सकता पहली बार आपसे बोला भी ना जाए, जीभ पलटे ही ना, बार बार आवृत्ति करेंगे तो जीभ भी पलटेगी और बोलना भी आ जाएगा। तो पहला तांडे महाब्राह्मण, दूसरा पंचविंश या प्रौढ़ ब्राह्मण, फिर षडविंश ब्राह्मण, फिर साम विधान ब्राह्मण, फिर आर्षेय ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, देवताध्याय, वंश और संहितोपनिषद, ठीक है। आरण्यक की बात करें तो तवलकार आरण्यक, एक ही आरण्यक मिलता है इसका, तवलकार आरण्यक। उपनिषद की बात करें तो इसमें 2 उपनिषद मिलती हैं, छांदोग्य और केन। केन भी याद रखना और छांदोग्य, उपनिषदों से प्रश्न प्राय करके फंस जाता है, तो छांदोग्य और केन उपनिषद। चलिए अब स्रोत सूत्र आ जाते हैं, इससे संबंधित जो स्रोत सूत्र है वो स्रोत सूत्र क्या है, तो देखिए आर्षेय या मशक, ठीक है, मशक पूछ लिया जाता है भाई मशक किसका स्रोत सूत्र है, तो सामवेद का। तो आर्षेय या मशक, जैमिनीय, लाट्यायन, द्राह्यायन, निदान और उपनिदान। तो निदान स्रोत सूत्र किसका है, सामवेद का। निदान उपनिदान किसका है, सामवेद का, ठीक है। गृह सूत्र देखिए, गोभिल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, गोभिल गृह सूत्र, कौथुम शाखा ही कौथुम है उसका भी अपना, खादिर, द्राह्यायन और जैमिनीय। देखो यहाँ लाट्यायन द्राह्यायन आयन दिया है, ऋग्वेद मत मार देना, ये दो नाम स्पेशली याद रख लेना, लाट्यायन और द्राह्यायन, ये किससे संबंधित है, सामवेद से संबंधित है, इधर गोभिल याद रखना, ठीक है। अगला है धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र, मेरे नाम से एक धर्मसूत्र इनका चलता है, मेरा नाम याद रख लेना, तो ये रखना कि गौतम सामवेद वाले बस, तो गौतम धर्मसूत्र है इसका। सामवेद खत्म हो गया हमारा, अगला है अथर्वेद, अब छोटा छोटा है, अथर्वेद ही है, एक पंक्ति एक उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अथर्वेद में मंत्रों की संख्या है 5987, ये मंत्रों की संख्या। और अथर्वेद पर पाश्चात्य विद्वान जो सबसे ज्यादा काम किया उसका नाम है ब्लूमफील्ड, याद रखना, अथर्वेद पर सबसे ज्यादा काम करने वाला ब्लूमफील्ड नाम है इसका, ठीक है। कई बार हो सकता है प्रश्न बना दे कि भाई ब्लूमफील्ड जो विद्वान है वो किस वेद से संबंधित है, तो अथर्वेद से संबंधित है। परिभाषा की बात करें भाई, अरे अथर्वेद का, अथर्वेद की परिभाषा क्या है, अथर्वेद की परिभाषा क्या है, तो देखिए बोले थर्व का अर्थ होता है गति, थर्व का अर्थ क्या होता है, गति। नए समास कर लीजिए, ना थर्व अथर्व, तो थर्व का अर्थ होता है गति या चेष्टा। यहां गति नहीं है, मतलब यहां गति नहीं है, वही क्या है, अथर्वन है। जहां गति नहीं है वो क्या है, अथर्वन है, अतः अथर्वन का अर्थ हुआ गतिहीन या स्थिर,
ठीक, अथर्व का मतलब क्या हुआ, गतिहीन या स्थिर। ठीक है, इसमें एक निरुक्त का प्रमाण आपको मैंने दे दिया है, जैसे बोले अथर्वाणो अथर्व अथर्वण बनता थर्वश्चति गति कर्मा तत्प्रतिषेधा। थर्व क्या है, गति कर्म है, चरति कर्म है, उसका प्रतिषेध कर दो तो क्या बन जाएगा, अथर्व बन जाएगा। ठीक है, अथर्व के बहुत सारे नाम हैं भाई, अथर्ववेद के नाम बहुत ज़्यादा हैं, आप नाम में कन्फ्यूज मत हो जाना। तो अथर्ववेद का पहला नाम क्या है, अथर्ववेद ही है, दूसरा नाम आंगिरस वेद है, तीसरा का नाम ब्रह्मवेद है, अथर्ववेद के ही नाम है ये सारे के सारे, अथर्ववेद को इस नाम से बुलाया जाता है। फिर अथर्वांगिरस वेद है, फिर भृगव आंगिरस वेद है, फिर क्षात्र वेद है, भैषज्य वेद है, छंदो वेद है और मही वेद है, ये सारे के सारे नाम अथर्ववेद के हैं। ठीक है, और अथर्ववेद के उपवेद भी मिलते हैं, उपवेद औरों को भी मिलता है, मैंने चर्चा उसकी नहीं की है, ठीक है, और कर दूंगा अंतिम में। प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है ना, भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो पूरी की पूरी वेदों पर आश्रित है। ठीक है, पूरी परंपरा किस पर आश्रित है, वेदों पर आश्रित है। अब वेदों पर पूरी परंपरा अगर आश्रित होगी तो भाई इतनी बड़ी परंपरा को संचालित करने के लिए, और प्रत्येक प्रदेश की भाषा अलग अलग है, तो सीधी सी बात आपको बड़ा भारी साहित्य और वो सब करना पड़ेगा। तो इसलिए अथर्ववेद के उपवेद भी हैं, जिसमें एक का नाम है सर्पवेद, एक का नाम है पिशाच वेद, एक का नाम है असुर वेद, एक का नाम है इतिहास वेद, एक का नाम है पुराण वेद। ये उपवेद हैं किसके, अथर्ववेद के। अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं वो नौ शाखाओं का वर्णन मिलता है भाई, अथर्ववेद की कभी नौ शाखाएं हुआ करती थी, हमें नौ नहीं पढ़नी है, हमें केवल दो पढ़नी है। ठीक है, तो पहली शाखा है पैप्पलाद, दूसरी है तौद, तीसरी मौद, चौथी शौनकीय, पांचवी जाजल, छठी जलद, सातवीं ब्रह्मवेद, आठवीं देवदर्श और नौवीं चारण वैद्य। ये नौ शाखाएं जो हैं वो अथर्ववेद की हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, बोले वर्तमान में केवल शौनक और पैप्पलाद शाखा उपलब्ध होती है, एक शौनक शाखा एक पैप्पलाद शाखा, इसका एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपथ। प्रश्न आता है अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है, गोपथ। आरण्य किसका कोई मिलता नहीं है, एक ही गृह सूत्र है जिसका नाम है कौशिक गृह सूत्र, आज भी कौशिक गोत्र होते ना ब्राह्मणों में, तो कौशिक गृह सूत्र इसका है। उपनिषदें इसकी तीन है, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक के उपनिषद, तीन उपनिषदें मिलती है। ये उपनिषदें जरूर याद रखना, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया उपनिषदों में। और एक है स्रोत सूत्र जिसका नाम है वैतान, तो ये वैतान एक एक नाम है, लेकिन गुरु लंका लगा देंगे, प्रश्न के आगे समस्या बना देंगे आपको, लल्लू लाल खत्म सिंह बनाने में देर नहीं करेंगे, पूछ लेगा गोपद ब्राह्मण किस वेद का है, कौशिक किसका गृह सूत्र है, धर्म स्रोत सूत्र वैतान जो है वो किस वेद से संबद्ध है, तो हो गया लल्लू लाल। ठीक है, तो ये जो वेदों का हमने परिचय देखा, इस परिचय में हमने बहुत कुछ देख लिया। वैसे आप अगर एक एक चीज को पढ़ोगे तो मैं आपको सच बताऊं, नेट पढ़ाने वाले लोगों ने यूट्यूब के ऊपर या अन्य चीजें पढ़ाने वालों ने वेद का अलग क्या बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के लिए अलग, उपनिषदों के लिए अलग, आरण्यकों के लिए अलग और कल्प सूत्रों के लिए अलग से वीडियो बनाए, और हर एक वीडियो एक घंटे का है, एक घंटा सवा घंटा छः घंटा का वीडियो है, छः घंटे में आप केवल इतना जान पाते हैं कि ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, गृहसूत्र क्या है, सुलभ सूत्र क्या है, उपनिषद क्या है, स्रौत क्या है, धर्म क्या है, इतना छः घंटे के वीडियो में। और ये आपने जान लिया या एक घंटा भी नहीं हुआ है, हालांकि वो मेरा वीडियो कट गया था, उसको दोबारा चलो मैं दोबारा चला दिया उसको, दोनों को मिला दूंगा बाद में। ये आपने जान लिया है कितने 55 मिनट में, 56 मिनट मान लीजिए, इतनी बात आपने जान लिया। ठीक है, कुछ विशेष बात और है जो आपको थोड़ी सी जाननी है वेद से संबंधित, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनसे भी प्रश्न बन जाता है कई बार, क्योंकि आप कहोगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं था, ये प्रश्न तो सामान्य जानकारी मैंने आपको वेद की दे दी है, इससे ज़्यादा जानकारी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप वीडियो यहाँ बंद कर देना, ठीक है, और आराम से चादर तान के सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि शायद प्रश्न यहाँ से बन सकता है, क्योंकि मुझे जो लगा कि शायद यहाँ से प्रश्न बन सकता है, वो वेद से संबंधित है, वो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। तो कुछ ध्यातव्य हैं, क्या ध्यातव्य हैं, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त मिलता है, प्रश्न बनेगा पुरुष सूक्त किस वेद का है, ऋग्वेद का, मिलता तो आपको यजुर्वेद में भी है, ठीक है, पर हमें क्या किसका रखना, ऋग्वेद का।
ऋग्वेद में नासदीय सूक्त मिलता है, नासदीय सीध नासदासीत नो सदासीत मंत्र है इसका, नासदीय सूक्त। ऋग्वेद में ही श्रद्धा सूक्त मिलता है, ऋग्वेद में ही वाक सूक्त मिलता है, ऋग्वेद में ही अक्ष सूक्त मिलता है, और गुरु ब्याह भी करना है तो ऋग्वेद में ही आना पड़ेगा, तो विवाह सूक्त भी ऋग्वेद में मिलता है। ये चीज़ें याद करनी है आपको, ये मैंने पता दे दिया कहाँ कहाँ मिलता है, आप इसको अगर नहीं याद कर सकते तो मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। इतना याद रखिए, पुरुष नासदी श्रद्धा वाक अक्ष और विवाह कहाँ हुआ, ऋग्वेद में हुआ, ठीक है, इतना याद कर लीजिए। इसके बाद ऋग्वेद में संवाद सूक्त मिलते हैं, संवाद मतलब बोलचाल वाले सूक्त, संवाद सूक्त तो केवल ऋग्वेद में मिलते हैं। तो पुरुरवा उर्वशी का संवाद है, खूब सुना होगा, पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त। विश्वामित्र और नदियों का संवाद होता है, यम और यमी संवाद सूक्त है, शर्मा और पाणी संवाद सूक्त है। चार संवाद सूक्त बहुत प्रसिद्ध है ऋग्वेद के, ठीक है, इनकी संख्या याद करना चाहो याद कर लीजिए, वरना किस वेद से है वो याद कर लीजिए बस, ठीक है। यजुर्वेद में, क्योंकि यजुर्वेद पूरा यज्ञीय वेद है, यज्ञ का जितना कर्मकांड होता है वो यजुर्वेद से संपादित होता है, जितना कर्मकांड विषयक है वो सारा का सारा किससे संबद्ध है, यजुर्वेद से संबद्ध है। तो यजुर्वेद में अश्वमेध नरमेध जहाँ मेध लगा हो वो किससे संबद्ध है, यजुर्वेद से। यज्ञ प्रक्रिया जो है वो यजुर्वेद की है। अथर्वेद, क्योंकि मैंने बता आपको पहले ही बताया था कि भाई सामवेद की जो ऋचाएँ हैं उनका गान जो है वो अथर्वेद में किया जाता है, इसलिए उसके बारे में कोई ऐसी यहाँ चर्चा नहीं है। हम सीधे आते हैं, सामवेद जो है उसके बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि सामवेद के अंदर ऋग्वेद की जो ऋचाएँ उन्हीं का गान किया जाता है, इसलिए हम सीधे अगले बढ़ते हैं अथर्वेद पर। अथर्वेद में सबसे प्रसिद्ध सूक्त है पृथ्वी सूक्त। पूछा जाता है पृथ्वी सूक्त किस वेद से संबद्ध है, तो अथर्वेद से। एक सूक्त है ब्रह्मचर्य सूक्त, एक है काल सूक्त, कालो अश्व बहते, विवाह सूक्त यहाँ भी है, ब्रात्य सूक्त और मधुविद्या। मधुविद्या कहाँ है, तो अथर्वेद में, ठीक है। पृथ्वी सूक्त कहाँ है, तो अथर्वेद में। ब्रह्मचर्य सूक्त क्या है, कहाँ है, तो अथर्वेद में। काल सूक्त कहाँ है, कालो अश्व बहति, ठीक है, तो अथर्वेद में। विवाह सूक्त अथर्वेद में, विवाह सूक्त वहां भी है, और ब्रात्य सूक्त कहाँ है, अथर्वेद में, ठीक है। चलिए इसमें थोड़े से ब्राह्मण ग्रंथों की बात थी। देखो ब्राह्मण ग्रंथ वैसे तुमने कर ही लिए थे, सबके ब्राह्मण ग्रंथ हमने साथ साथ में पढ़े हैं कि भाई इसका ब्राह्मण ग्रंथ ये है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ ये है, ठीक है, पढ़े तो हमने सबके ब्राह्मण ग्रंथ है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों से कुछ प्रश्न फंस जाते हैं। पहला तो प्रश्न ये बनता है कि ब्राह्मण का मतलब क्या है यहाँ पर, जो आजकल जातीय ब्राह्मण है, ठीक है, तिवारी पांडे शुक्ला, क्या ये ब्राह्मण है यहाँ पर, या कुछ अन्य मतलब है यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ का, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ठीक है, देखो तो कह रहे हैं कि जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया गया उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेद के जो वैदिक रहस्य हैं भाई, जो वैदिक रहस्य हैं उनका जहां उद्घाटन किया जाता है उनको क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। तो जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, स्पष्ट हो गया। इसकी एक परिभाषा दी है भट्ट भास्कर ने, क्या दी है, बोले ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तद मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथाः। ब्राह्मण नाम बोले कर्मणाः तन मंत्राणाम, कर्म के जो मंत्र उनका जो व्याख्यान ग्रंथ है वो क्या है, ब्राह्मण है। जिसमें निर्वचन मंत्रों का विविध यज्ञों में विनियोग प्रयोजन प्रतिष्ठान और विधि का वर्णन होता है उन्हें क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब प्रश्न जो बनता है वो यहाँ से बनता है, ब्राह्मण ग्रंथों के कितने प्रयोजन हैं, ये प्रश्न आया हुआ है कि भाई ब्राह्मण ग्रंथों के कितने प्रयोजन हैं। तो वाचस्पति के हिसाब से, ये श्लोक किसका, वाचस्पति का, तो वाचस्पति के हिसाब से चार प्रयोजन है भाई, वाचस्पति के हिसाब से ब्राह्मण ग्रंथों के चार प्रयोजन है। पहला निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि, ठीक है। पहला कौन सा, निर्वचन, दूसरा विनियोग, तीसरा प्रतिष्ठान और चौथी विधि, ठीक है। तो निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि, ये चार प्रयोजन हैं किसके, ब्राह्मण ग्रंथों के। श्लोक दिया, निरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदीह उच्यते, ठीक है। लेकिन सबर स्वामी क्या मानते हैं, ठीक है, तो सबर स्वामी कहते हैं कि 10 प्रयोजन होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के। अगर प्रश्न बन जाए कि सबर स्वामी के हिसाब से ब्राह्मण ग्रंथों के कितने प्रयोजन हैं, तो 10। पहला है हेतु, दूसरा है निर्वचन, तीसरा है निंदा प्रशंसा, अर्थात हेतु देना, किसी का निर्वचन करना, किसी की निंदा करना,
प्रशंसा करना, संशय करना, विधियन विधान करना, प्रक्रिया करना, पुराकल्प बताना, पहले ऐसा होता था, कल्पना करना और उपमान उपमा देना, ये 10 काम है ब्राह्मण ग्रंथों के। ठीक है, अब जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें जो चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों से आपको कहीं ना कहीं प्रश्न आ जाएगा, तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो चीज़ें मिलती हैं आपको, तो ऐतरेय ब्राह्मण सबसे पहला ब्राह्मण कौन सा, ऐतरेय ब्राह्मण, और ऐतरेय ब्राह्मण किसका है, तो महीदास ऐतरेय। ठीक है भाई, ऐतरेय ब्राह्मण के कर्ता कौन है, तो महीदास ऐतरेय। तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या मिलता है, एक हरिश्चंद्र उपाख्यान मिलता है। आपने देखा हरिश्चंद्र सत्यवती की, वो हरिश्चंद्र जो शमशान पर अपने सत्य के लिए बड़े जान दे जाते थे, आज भी कहते थे, क्योंकि लोग आज भी कह देते हैं कि भाई पता है तुम बहुत बड़े हरिश्चंद्र हो। ठीक है, तो हरिश्चंद्र उपाख्यान कहाँ मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में। इसे मिलता है चरैवेति चरैवेति, आदमी को चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, मिले ना मिले जो मिले चलते रहो। एक आचार संहिता के बारे में इसमें बात है, और यज्ञ दो याद रखना, चरैवेति और हरिश्चंद्र उपाख्यान। इसी प्रकार से एक शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण क्योंकि यजुर्वेद का है, शुक्ल का, और याज्वल किसके लेखक हैं, इसमें दो तीन संवाद आपको याद रखने हैं। एक है पुरुरवा उर्वशी का और दुष्यंत शकुंतला का, यहाँ भी संवाद मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। और जल प्लवन, ठीक है, 2012 मूवी आई थी ना जिसमें दिखाया गया था कि कैसे लोग मर जाएंगे 2012 में, सृष्टि प्रलय हो जाएगी। मन वाणी का विवाद, भाई मन और वाणी में विवाद हो गया था कि हमें कौन सा बड़ा है, तो ये कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। इसके बाद गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण के अंदर ओम की महिमा, अगर पूछा जाए ओम की महिमा कहाँ मिलती है, तो गोपद ब्राह्मण में। गायत्री की महिमा, मन का महत्व, ब्रह्मचारी के कर्तव्य और ब्रह्म की श्रेष्ठता कहाँ मिलती है, गोपद ब्राह्मण में। ठीक है, तो ये ब्राह्मणों से हमारी बात हो गई। अब अगली बात बनती है हमारी शिक्षा सूत्रों से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षा सूत्र हैं और शिक्षा सूत्रों से आपको प्रश्न बनते ही बनते हैं, और प्रश्न प्राय करके शिक्षा सूत्रों से फंसते हैं। तो देखिए, ऋग्वेद की जो शिक्षा है उसका नाम है पाणिनीय शिक्षा, याद रखना। पाणिनीय शिक्षा किसकी है, ऋग्वेद की है, प्रश्न बनता खूब आता है। शौनक शिक्षा दूसरी है, शौनक आपको याद रहे ना रहे, शिशिरी आपको याद रहे ना रहे, पर पाणिनीय मत भूल जाना। पहली शिक्षा ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा है। ठीक है, इसकी देखिए, यजुर्वेद की याज्वल्क शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट, याज्वल्क शिक्षा पूछा जाता है कि भाई यजुर्वेद की शिक्षा कौन सी है, तो याज्वल्क शिक्षा। दूसरी है मांडव्य शिक्षा और प्रातिशाख्य शिक्षा, आपको याज्वल्क याद रखनी, इसको नहीं भूलना। अगला देखिए, कृष्ण यजुर्वेद की भारद्वाज शिक्षा याद रखनी है, वो शुक्ल की थी, कृष्ण की भारद्वाज, चारायणीय, कौंडिन्य और व्यास, तो ये बहुत ज़्यादा याद रखनी है। सामवेद की लोमशी शिक्षा, नारदीय शिक्षा और गौतमीय शिक्षा, ये सामवेद की है। ठीक है, अथर्ववेद की मांडुकी शिक्षा, प्रश्न बनता है यहाँ सीधे, मांडुकी शिक्षा, वर्णपटल और दंतेष्ट विधि, ये भले आपको याद ना रहे नीचे वाले, लेकिन जहाँ मैंने खड़ा तीर लगा दिया वो आपको याद करना पड़ेगा, अथर्ववेद की मांडुकी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से प्रश्न कोई ना कोई फंस जाएगा आपका, और ऐसे ही प्रश्न फंसेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं फंसेंगे। तो ये जो यहाँ तक हमने चैप्टर देखे हैं, ये हमने पूरे देख लिए, आरण्यक देख लिया, ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए, उपनिषद देख लिया, वेद देख लिए, वेद की शाखाएं देख लिए, वैदिक काल देख लिया, कहाँ कौन सा कौन कितना काल मानता है, तो ये सारा का सारा हमने 1 घंटे 5 मिनट में कर लिया। ठीक है, और वैसे हम कथा कहानी सुनाते रहे आपको खड़े होके, तो 10 घंटे कर लो क्या फ़र्क पड़ता है, केवल मुद्दे की बात करो, केवल मुद्दे की, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, समय मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, इसलिए केवल मुद्दे की बात, जहाँ से प्रश्न बनेगा सीधे वही मुद्दा उठाओ और अपनी बात करो। चलिए, तो अब बात आती है वेदांग, इसमें थोड़ी सी बात वेदांग की करनी पड़ेगी, उसमें दिया है वेदांगों का परिचय। ठीक है, अब वेदांगों का परिचय दिया हुआ तो थोड़ी सी बात आपको वेदांग की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो आप याद रखिए 6 वेदांग हैं, वेद को जानने के लिए वेदांग बनाए गए, उनकी संख्या कितनी है, 6 है। तो सामान्य सामान्य हम बात करेंगे वेदांगों को लेके, चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए वेदांग का अर्थ, वेदांग का अर्थ क्या है, वेद के अंग हैं। ठीक, अंग का मतलब वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु का, वस्तु के स्वरूप का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। तो अंग्यन्ते ज्यायन्ते एभिरिति अंगानि। ठीक है, तो हमें इतना नहीं पढ़ना, इतना नहीं पढ़ना, हमें इतना पढ़ना केवल वेदांग, वेदांग कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, वेदांग कितने हैं, 6 हैं। 6 कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, छंद, सॉरी शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 वेदांग हैं। ठीक है,
ये श्लोक भी दिया, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः। ठीक है, इसमें थोड़ा आंख नाक कान का चक्कर है। आंख नाक कान का चक्कर क्या है, तो उसमें दिया है छंदौ पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते पाणिनि शिक्षा का। और पाणिनि शिक्षा कौन से वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि भाई क्या है। ठीक है, तो भाई वेद एक पुरुष है। ठीक है, तो छंद उसके पैर हैं। ठीक है, हाथ उसके कल्प हाथ हैं, आँखें ज्योतिष आँखें हैं, निरुक्त कान है, और शिक्षा घ्राण है, और मुख व्याकरण है। हो गया पूरा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ से। ठीक है, और आ जाइए, अब आ जाते हैं शिक्षा। ठीक है, शिक्षा हमने सबकी देख ही ली कि भाई किसकी वेद की कौन सी शिक्षा, उसी का पढ़ना है। शिक्षा का मतलब क्या होता है, बोले वर्णोच्चारण की शिक्षा देना, किस वर्ण का स्थान कौन सा है, उच्चारण कहाँ से होगा, कितना प्रयत्न है। ठीक है, ये सारे सारी शिक्षा मिलती है। और सबसे पहला इसका शिक्षा के अंग बताए गए हैं कहाँ, तैतरीय उपनिषद में। कितने, 6 अंग बताए गए हैं, वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान। ठीक है, अब हमें इतना नहीं पढ़ना है, शिक्षा के बारे में हम जानते हैं कि चतुर्षष्टि त्रिषष्टि चतुर्षष्टि, इसलिए यहाँ पर इतना नहीं पढ़ना है। अब आ जाओ, इतना ही पढ़ना शिक्षा के बारे में, आगे आ जाओ। कल्प, हमने सबके कल्प सूत्र पढ़े थे कि भाई श्रवत सूत्र गृह सूत्र आदि जो पढ़े थे। ठीक है, तो कल्प का अर्थ क्या होता है वो देखिए, जिन ग्रंथों से यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है वे कल्प कहलाते हैं। ठीक है, बस इतनी परिभाषा याद रखनी, इतनी बात याद रखनी, जहाँ जिन ग्रंथों से यज्ञ के बारे में बताया जाता वो क्या कहलाते हैं, कल्प कहलाते हैं। ठीक है, इतना ही रखना, परिभाषा याद नहीं करनी, ये सब फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। वो मैंने नोट्स नहीं बनाए इसलिए मैंने सीधे यहाँ से उठा के दे दिया आपको। कल्प सूत्रों की मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसको विस्तृत पढ़ना पढ़ लेना, वैसे काम नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कल्प सूत्र जो है वो 4 हैं, कल्प के भेद 4 हैं। ठीक है, श्रवत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और नहीं आगे सुलभ सूत्र। ये आप जिसको पढ़ना पढ़ लेना, मैं आपको सीधे मोटा समझा देता हूँ। श्रवत सूत्र का मतलब यज्ञों से संबंधित, गृह सूत्र घर से संबंधित, धर्म सूत्र धर्मों से संबंधित आचार विचार, और सूल सूत्र ये जो ज्यामिति होती ना गणितीय शास्त्र जो, वो सुलभ सूत्र में आता है। मापने का काम, भाई कितना मापन करना है, कितना छोटा कितना बड़ा, जितना ज्यामिति का काम है, गणित का काम है, वो सुलभ सूत्रों में मिलता है। तो प्रश्न बन जाता है कि गणित शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, तो सुलभ सूत्र। ठीक है, ये बस, और कुछ नहीं इसमें पढ़ना, आगे आ जाओ, उसमें और कुछ नहीं पढ़ना। अगर फिर भी आपको पढ़ने की इच्छा हो तो मैं आपको PDF दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं फंसेगा। व्याकरण पता ही है भाई, व्याक्रियंते विविच्यंते शब्दान्ते व्याकरण, जिसके द्वारा शब्दों का विवेचन किया जाए उसको व्याकरण कहते हैं। ठीक है, और व्याकरण जो है वो मुख माना गया है। ठीक है, और व्याकरण के प्रयोजनों की बात कर लें तो रक्षो ऊहा आगम लघु संदेह प्रयोजनम, ये व्याकरण के प्रयोजन बताए हैं महाभाष्यकार ने। 5 प्रयोजन होते हैं व्याकरण के, रक्षा करना, ऊहा करना, आगम लघु और असंदेह, बस और कुछ नहीं करना व्याकरण में, क्योंकि बहुत व्याकरण है, कहाँ तक पढ़ोगे आप। निरुक्त का देखिए, 4 निरुक्त है। ठीक है, तो निरुक्त का अर्थ होता है निर्वचन व्युत्पत्ति। ठीक है, शब्द के मूल में जाना, ये आप पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको, शब्द के मूल में जाकर और शब्द के प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना। जैसे आपने बनाया पक्वा, ठीक है, तो अब आप पक्वा में खोलोगे तो पच धातु कता प्रत्यय, तो पच और कता यही निरुक्त है। ठीक है, अलग अलग करना, फिर उसकी व्युत्पत्ति देना कि घोड़े को घोड़ा क्यों कहेंगे, अश्व को अश्व क्यों कहेंगे, समुद्र को समुद्र क्यों कहेंगे, इसके पीछे कारण बताना, वो निरुक्त का काम है। इसलिए कहा निर्वचन और व्युत्पत्ति। निरुक्त का कर्ता कौन है, यास्क, आचार्य यास्क। इनका एक ग्रंथ मिलता है निघंटू शास्त्र, तो निघंटू की व्याख्या क्या है, निरुक्त है। इसमें 12 अध्याय हैं निरुक्त में, और 2 अध्याय बाद में जोड़े जिनको परिशिष्ट कहा जाता है, 14 अध्याय हो जाते हैं। हम बात कर लेते हैं सीधे छंद की। ठीक है, छंद का मतलब होता है छंदोच्छादनात्, जो ढक लेते हैं। ठीक है, छंदांसी छादनात्, जिनमें मंत्र ढके हुए होते हैं उनको क्या कहा जाता है, छंद कहा जाता है। और ये छंद दिए हुए हैं आपको। ठीक है, छंद दिए हुए हैं पूरे।
ठीक है। तो गायत्री छंद दिया है, त्रिष्टुप दिया है, अनुष्टुप दिया है, जगति, बृहति, पंक्ति, ठीक है, उष्णिक, ठीक है। छंदों की बात हम तब करेंगे जब छंद शास्त्र, वो छंद पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखो एक बात थोड़ा एक चीज याद रखना कि अगर एक अक्षर कम होगा तो निचृत कहलाएगा, और एक अक्षर अधिक होगा तो भूरिक कहलाएगा, दो अक्षर कम होगा तो विराट कहलाएगा, और दो अक्षर कम हो ज्यादा होगा तो स्वराट कहलाएगा। ये चार शब्द याद रख लेना छंद के विषय में, ठीक है, और याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो छंद के विषय में चार शब्द याद रख लेना, एक कम होगा तो निचृत, एक अधिक है तो भूरिक, दो कम है तो विराट, और दो ज्यादा है तो स्वराट। जैसे गायत्री 24 अक्षर की होती है, ठीक है, अगर इसमें 22 अक्षर दो कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, विराट, और अगर एक कम हो जाएगा तो निचृत गायत्री, और अगर पूरे हैं तो गायत्री, एक ज्यादा हो गया तो भूरिक गायत्री, और दो ज्यादा हो गए तो स्वराट गायत्री, ठीक है। ये छंदों के इन्होंने पूरे दे रखे हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, यहाँ तक पूंज और जगति, यहाँ तक अक्षर देख लेना, ठीक है, कि किस में कितने अक्षर होते हैं, यहीं तक पूछे जाते हैं, यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये सात आपको देखने हैं, ठीक है, क्योंकि समय दो दो चार चार बढ़ाते जाइए, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48, बस। ज्योतिष शास्त्र देखिए, ये अंतिम है, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र जो है ये अंतिम है वेदांग में, इसकी भी बढ़ा देता हूँ ब्राइटनेस, ये अंतिम है, ठीक है। ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं, जहाँ ग्रह नक्षत्र के बारे में चर्चा की जाती है वो क्या है, ज्योतिष शास्त्र कहलाता है, ठीक है, एक मिनट इसको हटाता हूँ, ठीक है, वो ज्योतिष शास्त्र कहलाता है, ठीक है। बहुत कुछ है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, ज्योतिष का महत्व इसी बात से है, देखो ये श्लोक याद रखना, यथा शिखा मयूराणाम नगानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम, ठीक है, और ज्योतिषामयनम चक्षु, ठीक है। तो ये ज्योतिष है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये सामान्य सामान्य सा प्रश्न हो गया, और भी चीज़ें हैं वेद से संबंधित, वो सब नेट जीआरएफ के लिए हैं, हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये वेदांग का काल गणनाओं का सारा प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, इसको एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, और चाहे तो मत देखिए, कोई फर्क नहीं है, मेरा जो काम था मैंने आपके सामने रख दिया है, इसको सपोर्ट करना नहीं करना आपके विवेक के ऊपर है, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं इसको, और कल हम फिर नए विषय के साथ उपस्थित होंगे, और बहुत जल्दी एक दो दिन में आपकी प्रश्नोत्तरी भी कराना मैं शुरू कर दूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न फंसेंगे और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, याद करिएगा, और अगर आपको PDF की आवश्यकता पड़े तो आज मैं टेलीग्राम पर सारी की सारी PDF पीछे तक की उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। सभी को नमः संस्कृताय, आपकी रात्रि मंगलमय हो और दिन भी शुभ हो।